स्टोन के ट्रीटमेंट में दो चार बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो अक्सर मैं आप लोगों को अपडेट करता रहता हूँ। स्टोन यदि पेनफुल कंडीशन में है, यानी कि पेन के साथ सिम्टोमेटिकली प्रेजेंट कर रही है, यूरिन के रास्ते को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, इसका मतलब है स्टोन निकलने को तैयार है। लेकिन ज़्यादातर क्या 95% लोग ऐसे में यूरोलॉजिस्ट या किसी डॉक्टर को विजिट करते हैं और वो डॉक्टर उनको सर्जरी के लिए रिकमेंड कर देता है। जबकि यदि अप टू द 15 mm की स्टोन सही तरीके से सही अप्रोच के साथ अडॉप्ट की जाए तो ऐसी स्टोन निकल जाती है। एक और बहुत बड़ा मिथ है जिसके बारे में मैं बार बार अपडेट करता हूँ और एक रिसेंट वाकया हुआ, इसीलिए हम उस चीज़ को अपडेट करवाना चाहेंगे। होता क्या है, जब एक पेशेंट मल्टीपल स्टोन के साथ आता है और उसको 2 महीने में 2 स्टोन निकल गई, 1 बची हुई है, वहाँ से ज़्यादातर केसेज में मैं देख रहा हूँ कि लापरवाही का दौर शुरू होता है। फिर उसके बाद जो प्रिकॉशन और बाकी सारी चीज़ें बताई जाती हैं उसको लोग सही तरीके से अडॉप्ट नहीं करते और वहाँ से फिर स्टोन बढ़नी शुरू हो जाती है। भाई, एम ऑफ द ट्रीटमेंट स्टोन को कम्प्लीटली निकालना है ना, तो हम प्रिकॉशंस को क्यों अडॉप्ट करने से बचें? और एक बार फुल एंड फाइनल कर लीजिए, फिर आपको प्रिकॉशन हटा दिए जाएंगे, नॉर्मल रूटीन पर आप आ जाएंगे। खैर, सूरज मेरे पास आए थे 15 सितंबर को और सूरज कुछ दिक्कतों के साथ मेरे पास आए थे। सूरज की पिछली वाली अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में कितने की स्टोन थी बेटा? 7-10 कुछ थे, 10 mm की, ठीक है। और उसके बाद एक और रिपोर्ट थी जिसमें कम थी, हाँ उसमें सिर्फ 5 mm 5 mm की थी। देखिए, हमेशा जब भी आप कभी स्टोन के लिए अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो एक MD रेडियो को ही चुने भाई, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 5 mm की स्टोन को निकालना हमारे लिए आसान काम है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा पावर की दवा नहीं यूज़ करनी है, ज़्यादा प्रिकॉशंस को नहीं लेना है। 5 mm की स्टोन का इलाज तो हम करते ही नहीं है। 5 mm की स्टोन के लिए हम सामने वाले को प्रिकॉशन बता देते हैं, तरीके बता देते हैं, खुद ठीक हो जाता है। 5 mm से बड़ी स्टोन, हाँ 5 mm से छोटी स्टोन यदि UV जंक्शन में फंसी है तो वहाँ इलाज करना ज़रूरी है, जहाँ दिक्कत कर रही है, परेशानी कर रही है। लेकिन 5 mm से बड़ी स्टोन है तो आप अपने अगल बगल इधर उधर दवा करवा रहे हैं, कम से कम ये तो ध्यान दीजिए कि उस डॉक्टर को उस किडनी स्टोन के बारे में जानकारी हो, सही तरीका अडॉप्ट करता हो, यानी कि उसका एक्सपीरियंस हो ओवरऑल, क्योंकि उससे बड़ी पथरी यदि यूरिन के रास्ते को ऑब्स्ट्रक्ट करती है तो किडनी को डैमेज कर सकती है। सूरज जो हमारे पास आए थे वो वास्तव में उनका स्टोन 11-12 mm का ही था, दूसरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में 5 mm की दिखाई जा रही थी। 15 तारीख को इन्होंने कंसल्ट किया और कितने दिन बाद बेटा स्टोन निकल गई आपके? सर 21 तारीख को निकला है, यानी कि 1 हफ्ते के अंदर एक इतनी बड़ी स्टोन निकली भाई। अब यास्तव में यूरेथ्रा का जो रास्ता होता है कम से कम वो 2-3 mm का होता है और उसमें कम से कम 11 mm की स्टोन, इसलिए इसकी विड्थ, सॉरी यदि आपकी विड्थ और लेंथ देखेंगे तो कम से कम ये 11-12 mm और 8 mm की स्टोन है ये, ठीक है। दवाइयाँ सही तरीके से यूज़ की जाएँ तो वो यूरेथ्रा और यूरेटर को डायलेट कर देती हैं और बिना किसी दिक्कत और डिस्कम्फर्ट के स्टोन को बाहर निकालती। सूरज से ही पूछ लिए, सूरज क्या दर्द हुआ था तो स्टोन निकली थी? स्टोन निकली, दर्द भी नहीं हुआ और ब्लड भी नहीं आया था। अब ध्यान दीजिए भाई, ना कोई ब्लीडिंग हुई ना, तो ज़्यादातर एलोपैथिक डॉक्टर क्या बोलते हैं कि इतनी बड़ी स्टोन का इलाज होम्योपैथिक डॉक्टर से ना करवाओ, कहीं स्टोन डायरेक्टली बाहर निकली तो लैसिरेट करते हुए निकलेगी, स्ट्रक्चर बना देगी। भाई बात तो सही है, यदि वास्तव में यूरेथ्रा और यूरेटर डायलेट नहीं हुआ तो श्योरली वो स्ट्रक्चर बनाएगी। इसीलिए जब भी कभी आप 5 mm से बड़ी स्टोन का ट्रीटमेंट करते हैं, हमेशा केयरफुल तरीके से करवाइए और एक एक्सपीरियंस डॉक्टर से करवाइए। सूरज की बातों को हम 2 मिनट में ख़त्म करेंगे, सूरज का एक्सपीरियंस और छोटा सा एक वीडियो। हाँ सूरज बेटा, इससे पहले कहाँ इलाज करवाए थे और कितने दिन तक आप इलाज करवाए इसका? सर इसके पहले हम कई जगह से इलाज करवाए थे स्टोन का। कितने दिन तक चला बेटा, लगभग कितने दिन तक स्टोन को ले लेंगे? सर हम लेकर 2019 से ही परेशान हैं। 2019 से परेशान है, 2024 में चल रहे हैं हम लोग भाई, यानी कि स्टोन इतना कम दिन का नहीं है, बहुत लंबे टाइम का होगा, ऐसा नहीं है कुछ स्टोन निकले भी होंगे? जी सर, स्टोन निकल रहा था, निकले होंगे और कुछ बने होंगे, ठीक है। अब ये भी समझाना ज़रूरी है सूरज को, आगे आने वाले फ्यूचर में स्टोन ना बने। देखिए इस रिपोर्ट में केवल 2 छोटी-छोटी स्टोन बची है भाई, 3.5 mm के, जो नेग्लिजिबल है, यानी कि बहुत आराम से इसको दवाइयों के सारे निकल, 1 महीने के अंदर सारा इलाज बंद हो जाएगा 1 से 1.5 महीने के अंदर। लेकिन इनको लिथमिक डायस्टेसिस एक्टिवेटेड है, यानी बार बार स्टोन बन जाती है। 2 मेजर प्रिकॉशन, कम से कम सिट्रस फ्रूट कंज्यूम करेंगे, 2 नींबू ज़िंदगी भर लेते रहें डेली, 2 दवा के तौर पे 10-15 तुलसी के पत्ते चबाते रहें, वाटर का हाइड्रेशन मेंटेन कर लें और बहुत ज़्यादा साल्ट और प्रोटीन की डाइट से बचें। यदि वास्तव में ये, हम ये नहीं बता रहे हैं कि ये सबको प्रिकॉशन लेना चाहिए, लेकिन फिर भी मेजर कॉन्स बिहाइंड द स्टोन ये यही है, यदि इन चीज़ों को आप अडॉप्ट कर लेंगे ज़िंदगी भर के लिए आप डॉक्टर डॉक्टर खेलने से बच जाएंगे और ऑपरेशन दुनिया में किसी को अच्छा लगता नहीं है। सो दैट वे सबसे ज़रूरी चीज़ है, अपने रोल को समझें, सही तरीके से अडॉप्ट करें और ज़िंदगी भर हमेशा के लिए ठीक बने रहें। किडनी स्टोन का इलाज हमेशा सही तरीके से होना चाहिए, लंबे दिनों तक नहीं होना चाहिए, नहीं तो किडनी को डैमेज करती है। इसीलिए
पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट अडॉप्ट करिए, सामने वाले का इलाज करिए, ठीक हो जाता है, ठीक नहीं ठीक होता तो सर्जन को रिकमेंड कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है सामने वाले की किडनी को ख़राब करने के टर्न पे इलाज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा तो बाकी लोगों को भी शेयर करिएगा। वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है वो ध्यान दीजिए भाई, हम आप लोगों के रोल की बात कर रहे हैं, हमें जो करना हो तो हमें मालूम है, आप लोगों के रोल की बात करें, यदि आप सही तरीका अडॉप्ट करें तो श्योरली इन सब चीज़ों से पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निराम मोहन कहते हैं।